Bismillahir Rahim Dear students Assalamu Alaikum hope you all are having great time at home open your english book Unit number 2 Chinese New Year You know that China is neighboring country of Pakistan It lies to the south of Pakistan and we have friendly relations with China In this lesson we will learn about some traditions associated with Chinese New Year लेट्स स्टार्ट आवर लेसन विध पैराग्राफ नंबर वन चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ आ होली डे चीनी साले नो एक छुट्टी होती हैं डेड सेलिब्रेट्स जो मनाती हैं द बिगिनिंग ऑफ आ न्यू ईयर एक नए साल के आगाज़ को अकॉर्डिंग टू के मुताबिक द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर चीनी कमरी कैलेंडर चीनी साले नो एक छुट्टी होती हैं जो चीनी कमरी कैलेंडर के, के मुताबिक एक नए साल के आगाज़ को मनाती हैं इट इज़ कंसिडर्ड ये समझी जाती हैं टू बी वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़ सबसे अहम तातीलत में से एक या सबसे अहम छुट्टियों में से एक फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़ चीनी ख़ानदानों के लिए ये चीनी ख़ानदानों के लिए सबसे अहम छुट्टियों में से एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे छुट्टी समझी जाती है द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स बड़े ख़ानदानी इजतम के साथ गैदरिंग्स होता है इकट्ठिया इजतमा और ये उसका प्लूरल है गैदरिंग्स इजतम गिफ्ट गिविंग तहफ़ देने द ईटिंग ऑफ सिम्बालिक फूड्स अलामती खाने खाने एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस और पुरमसर्रत सजावटों की नुमाइश छुट्टी बड़े ख़ानदानी इजतम तहफ देने अलामती खाने खाने और पुरमसरत सजावटों की नुमाइश के साथ मनाई जाती हैं आल फोकस्ड तमाम तवज्जो दी जाती हैं ऑन ब्रिंगिंग गुड लक अच्छी किस्मत लाने के लिए फ़ॉर द न्यू ईयर नए साल के लिए तमाम तोज्जो नए साल के लिए अच्छी किस्मत लाने पर दी जाती हैं एंड सेलिब्रेटिंग और मनाने पर द कमिंग ऑफ स्प्रिंग बाहर की आमद को तमाम तो नए साल के लिए अच्छी किस्मत लाने और बाहर की आमद को मनाने पर दी जाती हैं इन चाइना चीन में द लूनर कैलेंडर कमरी कैलेंडर इस्टिल यूज अभी तक इस्तेमाल किया जाता है टू डिटर्मिन मुत करने के लिए ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ रवायती छुट्टियों को चीन में रवायती छुट्टियों को मतन करने के लिए अभी तक कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर जैसा कि चीनी साल नो चीन में चीनी साल नो जैसी रवायती छुट्टियों को मतन करने के लिए अभी तक कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है सिंस चूँकि द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड कमरी कैलेंडर की बुनियाद होती है ऑन द फेजेस हालतों पर या अशकाल पर ऑफ द मून चाँद की चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चाँद की अश्काल पर होती हैं विच हैज़ अ शॉर्टर साइकल जो एक छोटा चक्कर रखता है देन द सन सूरज की नस्बत जो सूरज की नस्बत एक छोटा चक्कर रखता है चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद की अशकाल या हालतों पर होती है जो कि सूरज की नस्बत एक छोटा चक्कर रखता है चाइनीज़ न्यू ईयर चीनी सालिनो इज़ नेवर ऑन द सेम डे कभी नहीं एक ही दिन होता ईच ईयर हर साल चीनी सालिनो हर साल कभी भी एक ही दिन नहीं आता बट टिपिकली बल्कि आम तौर पर फॉल्स आता है समवेयर कहीं बिटवीन जनवरी ट्वेंटी फर्स्ट एंड फरवरी 21 जनवरी और बीस फरवरी के दरमियान चीनी सालिनों कभी भी हर साल एक ही दिन नहीं आता बल्कि आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं आता है सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू मंथ तकरीबात दर हकीकत एक माह तक जारी रह सकती हैं। अ क्वेश्चन इन द बॉक्स वाई इज चाइनीज न्यू ईयर क्यों चीनी साले नो है नेवर कभी नहीं ऑन द सेम डे ईच ईयर हर साल एक ही दिन चीनी साले नो हर साल एक ही दिन क्यों नहीं आता है इसका आंसर आपकी बुक में है सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद होती हैं ऑन द फेजेस ऑफ द मून चांद की अशकाल या हालतों पर विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल जो एक छोटा चक्कर रखता है देन द सन सूरज की नस्बत चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद की अशकाल पर होती हैं जो सूरज की नस्बत एक छोटा चक्कर रखता है यहाँ आप डैश की बजाय सो लिखेंगे सो चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर इसलिए चीनी सालिनों हर साल कभी भी एक ही दिन नहीं आता ये आपके बॉक्स वाले क्वेश्चन का आंसर है सिंस से लेकर ईयर तक हियर आर ट्रेडिशंस यहाँ कुछ रवायात हैं एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर चीनी सालिनों से यहाँ चीनी सालनों से वस्ता कुछ रवायात हैं फर्स्ट ट्रेडिशन है क्लीनिंग हाउसेस घरों की सफाई एंड न्यू क्लॉथ्स और नए कपड़े घरों की सफाई और नए कपड़े पैराग्राफ नंबर टू स्टार्ट हो रहा है प्रायर पहले टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर नए साल के पहले दिन से नए साल के पहले दिन से पहले या साले नौ के पहले दिन से पहले इट इज़ कस्टमरी ये रवाज है फॉर फैमिलीज़ ख़ानदानों के लिए टू थॉरली क्लीन के मुकम्मल सफाई करें देयर हाउसेस अपने घरों की नए साल के पहले दिन से पहले अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करना ख़ानदानों के लिए रवाज है डूइंग दिस ऐसा करना इस सेट कहा जाता है कहा जाता है ऐसा करना टू क्लियर आउट ख़ात्मा करना है या साफ़ करना है एनी बैड लक किसी भी बुरी किस्मत को फ्रॉम द प्रीवियस ईयर गुज्त साल से कहा जाता है ऐसा करना गुज्त साल से किसी भी बुरी किस्मत का ख़ात्मा करना एंड टू मेक द हाउस रेडी और घर को तैयार करना है टू एक्सेप्ट गुड लक अच्छी किस्मत कबूल करने के लिए फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए कहा जाता है ऐसा करना गुजिश्ता साल से किसी बुरी किस्मत का खात्मा करना और आने वाले साल के लिए अच्छी किस्मत कबूल करने के लिए घर को तैयार करना है डट इज़ आल फॉर टुडे थैंक यू अल्लाह हाफिज़